जय भीम जय जवान। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं जन की बात। देश 74वें स्वतंत्रता दिवस के रंग में डूबा है। पूरा देश आजादी की उन मतवालों को याद कर रहा है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन बहुजन स्वतंत्रता सेनानियों के सबसे बड़े बलिदान का ज्यादा जिक्र नहीं होता, इसलिए स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन महानायिका उधा देवी पासी की कहानी, जिन्होंने अकेले ही दर्जनों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। अंग्रेज अफसर कॉलिन कैंपवेल की अगुवाई में ब्रिटिश सैनिक एक पीपल के पेड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। एक के बाद एक गोली अंग्रेजों की बंदूकों से निकल रही थी। जबरदस्त फायरिंग के बाद पीपल के पेड़ से एक लाश गिरी। बदन गोलियों से छलनी हो चुका था, कपड़े फट चुके थे। अंग्रेज अफसर कैंपवेल ने लाश को करीब से जाकर देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी हैट उतारी और उस लाश को सैल्यूट किया। वो लाश उधा देवी पासी की थी, जिन्होंने मरने से पहले कैंपवेल के 32 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। एक महिला सैनिक की ऐसी वीरता देख अंग्रेज अफसर भी उन्हें सैल्यूट किए बिना ना रह सके। आजादी की लड़ाई में समाज के सभी वर्गों और जातियों के लोग थे, लेकिन इतिहास में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं जो अग्रणी जातियों के थे। मनुवादियों ने मंगल पांडे को तो हीरो बना दिया, लेकिन तिलका मांझी, सिदो कानू, झलकारी बाई और उधा देवी पासी जैसे बहुजन नायक नायिकाओं के लहू को इतिहास की किताबों से बाहर कर दिया। लखनऊ के पास उजरियाऊ गांव की उधा देवी पासी जाति में पैदा हुई थी। वो बचपन से ही जुझारू स्वभाव की थी। उनके पति मक्का पासी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पलटन में एक सैनिक थे। अंग्रेजों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था, इसलिए महल की रक्षा के लिए वाजिद अली शाह ने महिलाओं की भी एक टुकड़ी बनाई। उसी टुकड़ी में उधा देवी पासी को बतौर सैनिक नियुक्त किया गया। तेज तर्रार उधा देवी की बहादुरी देख नवाब की बेगम और देश की प्रथम स्वाधीनता संग्राम की नायिकाओं में से एक बेगम हजरत महल उनसे बहुत प्रभावित हुई। कुछ ही दिनों बाद उधा देवी को बेगम हजरत महल की महिला सेना की टुकड़ी का कमांडर बना दिया गया। 10 मई 1857 को भड़के सैनिक विद्रोह के कारण पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह फूट पड़ा। उसी समय लखनऊ के पास चिन्हट में ब्रिटिश सेना और मौलवी अहमदुल्ला शाह की अगुवाई में संगठित विद्रोही सेना ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। चिन्हट की इस ऐतिहासिक लड़ाई में विद्रोही सेना की विजय हुई और अंग्रेजों की फौज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इसी लड़ाई में उधा देवी के पति मक्का पासी भी शहीद हो गए। कहते हैं उधा देवी ने अपने पति की लाश पर उनकी शहादत का बदला लेने की कसम खाई थी और उन्हें अपने पति के बलिदान का प्रतिशोध लेने का मौका मिला चिन्हट के महासंग्राम की अगली कड़ी सिकंदर बाग की लड़ाई में। अंग्रेजों की सेना चिन्हट की पराजय का बदला लेने की तैयारी कर रही थी। अंग्रेजों को पता चला कि करीब 2000 विद्रोही सैनिक लखनऊ के सिकंदर बाग में ठहरे हुए हैं। 16 नवंबर 1857 को कॉलिन कैंपवेल की अगुवाई में अंग्रेज सैनिकों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सिकंदर बाग की घेराबंदी की और जब विद्रोही सैनिक सो रहे थे उसी समय अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। विद्रोही सैनिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हजारों विद्रोही सैनिक मारे जा चुके थे। उस वक्त उधा देवी की अगुवाई में महिला ब्रिगेड भी बाग में मौजूद थी। उधा देवी ने उस समय पुरुष सैनिकों के कपड़े पहन लिए, हाथों में बंदूक और कंधों पर भरपूर गोला बारूद लेकर वो पीपल के ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। जब अंग्रेज सैनिक मैदान के उस हिस्से में आए तो उधा देवी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पेड़ की डालियों और पत्तों के बीच छिपकर उधा देवी ने अंग्रेजों पर अंधाधुंध फायरिंग की। उधा देवी ने ब्रिटिश सेना के दो बड़े अफसरों कूपर और लैम्सडेन समेत 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वो तब तक लड़ती रही जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। गोलियां खत्म होने के बाद अंग्रेज सैनिकों ने पेड़ को घेर लिया और उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उधा देवी ने पेड़ से नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों की गोलियों ने उन्हें छलनी कर दिया। उधा देवी ने इस दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया था। एक महिला योद्धा ने अकेले ही अंग्रेजों के 32 सिपाहियों और अफसरों को मार गिराया। उधा देवी के हौसले ने अंग्रेजों को भी अपना मुरीद बना दिया था। लाल रंग की कसी हुई जैकेट और पैंट पहने उधा देवी की लाश जब पेड़ से जमीन पर गिरी तो उसका जैकेट खुल गया। कैंपवेल ये देखकर हैरान रह गए कि वीरगति को प्राप्त हुई ये बहादुर सैनिक कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी।
कहा जाता है कि उदा देवी की हैरान कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर कैंपबेल ने हैट उतारकर उन्हें सलामी और श्रद्धांजलि दी थी। उदा देवी के शौर्य, साहस और शहादत पर भारतीय इतिहासकारों ने बहुत कम लिखा, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों और पत्रकारों ने ज्यादा लिखा। ब्रिटिश सार्जेंट फोर्ब्स मिशेल ने अपने एक संस्मरण में बिना नाम लिए सिकंदर बाग में पीपल के एक पेड़ के ऊपर बैठी एक स्त्री का उल्लेख किया है, जो अंग्रेजी सेना के 32 से ज्यादा सिपाहियों और अफसरों को मार गिराने के बाद शहीद हुई थी। लंदन टाइम्स के तत्कालीन संवाददाता विलियम हार्वर्ड रसेल ने लड़ाई का जो डिस्पैच लंदन भेजा, उसमें उन्होंने पुरुष के वेश में एक स्त्री द्वारा पीपल के पेड़ से फायरिंग कर अंग्रेजी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का उल्लेख किया था। लंदन के कई दूसरे अखबारों में भी उदा की वीरता पर लेख प्रकाशित किए थे। लंदन टाइम्स में छपी खबरों के आधार पर ही कार्ल मार्क्स ने अपनी टिप्पणी में सिकंदर बाग की नायिका का जिक्र किया है। इस देश की मिट्टी को हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा, लेकिन मनुवादी इतिहासकारों ने कभी उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। लेकिन अब हमारे नायक नायिकाओं के अदम्य साहस की कहानी धरती फाड़ कर बाहर आ रही है। मेरी और द शूद्र की टीम की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। बहुजन समाज की और अधिक खबरों के लिए द शूद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज मीना कोटवाल और ट्विटर पर कोटवाल मीना पर जुड़ें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। द शूद्र के लिए मीना कोटवाल, जय भीम जय जोहार। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्र, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम जय भारत।